हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विद्युत विश्वास एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, जैसे रेगुलरली आप लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर कौन सा सेक्टर चल सकता है उसे एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आज भी उसे लेकर आया निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसे काफी सारे लोग कंसर्न है। निफ्टी बहुत ऊपर है तो शायद बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो ऑब्वियसली सारे कंसर्न का जवाब देंगे। कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है वो सेक्टर भी करेंगे, वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। और चालू करने के पहले एक चीज है फ्रेंड्स, मैंने कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं है आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन देने का। तो आप मेरा वीडियो जो है आप लोग एक स्टडी रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, एक कॉमेंट्स कर दीजिए, वो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन लगेगा कहाँ पे और कौन सा चीज मेरे को ज्यादा मतलब कवर करना चाहिए। वो सब चीज भी आप लोग मेरे को देते रहे तो मेरे को पता चलेगा जो कौन सा सेक्टर और भी कवर कर, कौन सा चीज मैं मिस कर रहा हूँ और कवर करना चाहिए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, वो मेरे को मोटिवेशन देगा। चलो फ्रेंड्स, मैं पहले तो निफ्टी का ज्यादा बात नहीं करके फटाफट निफ्टी का चार्ट पे चला जाता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट पे अगर मैंने, एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने गया तो देखो एक बहुत ही, जैसे निफ्टी का जैसे एक मंथ खत्म हुआ, जैसे नेक्स्ट महीने का एक ही मतलब दिन सीजन हुआ, तो मंथली चार्ट मैंने जैसे मैं लॉन्ग टर्म चार्ट को बहुत ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे निफ्टी मतलब लगभग 2008 से चैनल के अंदर था, वो चैनल को ब्रेक करके ऊपर गया और चैनल को ब्रेक करने के बाद उसको एक कॉन्फर्मेशन कैंडल भी मिला। और उसके बाद कोई भी अच्छा बड़ा ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। तो निफ्टी भी उस जगह पे लगभग जनवरी से, या अगर जनवरी का कैंडल मैंने देखूंगा, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑलमोस्ट मई तक मतलब एक ही रेंज में था। और उसके बाद वो रेंज को ब्रेक करने के बाद भी कंसोलिडेशन किया था जून जुलाई तक। तो अभी अगस्त में बहुत ही बड़ा मूव देखा और उसके बाद एक उसको भी कंफर्मेशन कैंडल मिला। तो जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट मूव होता है ब्रेकआउट का, सेकेंड मूव उससे बड़ा ही होता है हमेशा। तो इसके हिसाब से आप अगर दूसरा जो देखोगे तो मेरे हिसाब से, और दूसरा जो है इस जगह पे अगर निफ्टी आप देखोगे एक मंथली चार्ट पे फ्लैग जैसे पैटर्न बनाया, और फ्लैग का पुल जो है वो 7500 का लेवल से चालू हुआ था और खत्म हुआ 15100 का लेवल पे फ्लैग का पुल, तो ऑलमोस्ट 7600 पॉइंट का फ्लैग का पुल। तो फ्लैग का ब्रेकआउट का जो पॉइंट है, तो ये जो ये 15000 से लेके और भी 7000, तो ये लगभग 22000 के आसपास दिख रहा है, 22-23000 का था। आप बोलोगे इतना बड़ा टारगेट, ऑब्वियसली फ्रेंड्स इतना बड़ा टारगेट एक बार में नहीं आएगा, मार्केट हमेशा ऐसा ऐसा चलता है। लेकिन अभी तक देखो, मैं कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, भविष्यवाणी या तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, चार्ट जो बता रहा है वो बताना चाहता हूँ। देखो मैं कोई भी फ्लैग का टारगेट जनरली मैक्सिमम टाइम अचीव नहीं होता, क्योंकि फ्लैग का टारगेट बहुत ही स्ट्रेट होता है। देखो इसका जो पोल था ये बहुत ही स्ट्रेट उठा था, और उसके बाद पोल ब्रेक करने के बाद ये भी पूरा इसका जो मूवमेंट है, जो अगर सिमिलैरिटीज आता है, देखो मोमेंटम जो इधर था इस जगह पे भी उससे ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है। तो मोमेंटम जब दिखता है फ्लैग ब्रेक के बाद, तब फ्लैग का टारगेट जो अचीव होता है वो मतलब फ्लैग का टारगेट का अचीव होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो मोमेंटम अभी तक दिख रहा है इसके हिसाब से, तो ऑब्वियसली देखो कंसोलिडेशन छोटा मोटा करेक्शन 10% का वो हो सकता है, लेकिन जो मोमेंटम बहुत सिमिलर है फ्लैग ब्रेक करने के पहले और बाद में, तो मे बी नेक्स्ट वन ईयर में एट द एंड ऑफ द 2023 शायद ये जो पोल का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा 22-23000 के आसपास। तो मैंने तो उतना ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं जा रहा हूँ, तो मे बी 20000-21000 भी आ जाए तो बहुत है। अभी फ्रेंड्स आप बोलोगे जो मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का चल रहा है, मे भी चल सकता है, मार्केट मेरे को कभी भी रॉन्ग प्रूफ कर सकता है, इस जगह से मतलब डायरेक्ट नीचे आ सकता है। लेकिन ये जो मोमेंटम दिख रहा है फ्लैग ब्रेकआउट के बाद, वो मोमेंटम वो बात नहीं कर रहा है मेरे को। जब मोमेंटम कोई भी करेक्शन होगा तो करेक्शन के पहले मोमेंटम मतलब उसका स्लो डाउन हो जाता है, तो ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम का कोई स्लो डाउन नहीं, इनफैक्ट बहुत सिमिलरिटीज है ये जो मूव है उसके साथ, आफ्टर ब्रेकआउट बहुत सिमिलरिटीज है। चलो अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो सकता है वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। डेली चार्ट पे आप अगर देखोगे ऑब्वियसली एक स्टीप मूव इधर से उठा था। देखो निफ्टी जो है इस जगह से मतलब लगभग फरवरी मार्च से लेके अभी तक एक चैनल के अंदर चला था, चैनल को ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद ऑब्वियसली जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है उसको एक रिटेस्ट करने आया था। तो ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा चल रहा था वो शायद ये रिटेस्ट करने के लिए आया, बहुत ज्यादा से ज्यादा आएगा तो इतना तक आ सकता है।
मतलब 1713 तक, तो देखो उसके बाद देखेंगे अगर कुछ होगा तो, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको रॉन्ग प्रूफ कर सकता है। लेकिन इस जगह पे क्या लग रहा है, देखो ये लो देखोगे इस जगह पे जो RSI है, इस लो के जगह पे RSI बहुत नीचे ट्रेवल कर चुका है। तो मतलब जितना मतलब ज्यादा करेक्शन हो उससे ज्यादा इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव है ये, और इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल दे देगा जो SGX निफ्टी के हिसाब से लग रहा है ग्रीन कैंडल मिल सकता है। तो अगर ग्रीन कैंडल दे देगा तो इस जगह पे एक एंगल बन जाएगा, ऐसा एंगल बन जाएगा, तो एक इसको बोलता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इस जगह पे देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो दिखाता है। लेकिन मैं उतना बुलिश अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हूँ, क्योंकि देखो अभी निफ्टी जो इस जगह से अगर जो मूव चालू किया था एकदम स्ट्रेट लाइन पे चला था, और क्या हुआ था लगभग 2 साइकोलॉजिकल लेवल को इससे ब्रेक किया, 16,000 और 17,000 साइकोलॉजिकल ब्रेक विदाउट एनी कंसंट्रेशन ब्रेक किया। और जो मार्केट में एक्चुअली क्या होता है, जो भी साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं 16,000 ब्रेक होता है तो टीवी पे बताया था निफ्टी 16,000 को ब्रेक किया, तो उसमें क्या होता है लोगों को एक साइकोलॉजिकल, ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट बढ़ता है और उस टाइम बड़ा इन्वेस्टर निकल जाता है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करने के टाइम निकला नहीं, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा बुलिश है। उसके बाद भी 17,000 का भी साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया, उसके बाद भी कोई कंसंट्रेशन नहीं, लेकिन मेरे को लगता है 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो ब्रेक करने के पहले थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेगा, तो मार्केट का मूव शायद मेरा हिसाब से ये अभी थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। और जनरली साइडवेज रहता है तो उस टाइम एक बड़ा मूव के बाद साइडवेज जब रहता है उस टाइम बॉर्डर मार्केट आउट परफॉर्म करता है। जैसे आप लोग देखा होगा इधर से इधर तक जो मूव हुआ इस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो उतना चला नहीं, क्यों नहीं चला, क्योंकि आप भले ही निफ्टी चल रहा था, निफ्टी चलता है तो निफ्टी का टॉप 50 जो इंडिया का स्टॉक होता है वो चलता है। लेकिन जनरली आप अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो लास्ट 2 महीने का देखोगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसे 1500 कुछ स्टॉकों का आता है तो उसके हिसाब से जो एडवांस अगर 500 स्टॉक का होता था 1000 स्टॉक का डिक्लाइन में आता था, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमेशा एक के नीचे रहता था, उसने पोर्टफोलियो उतना परफॉर्म नहीं किया। तो मेरे को लगता है अभी निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज्यादा चलेगा उसके हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1 के ऊपर जा जाएगा जो लास्ट 2-3 दिन से दिख रहा है। और मैं फ्रेंड्स हमें हर रोज 300-400 स्टॉक तो फॉलो करता हूँ, स्टॉक को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख के भी लग रहा है, तो अभी मतलब हमारा पोर्टफोलियो चलेगा निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। और दूसरा जो है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर देखोगे ऑब्वियसली इस जगह पे एक स्टीप रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर स्टे नहीं कर पा रहे अभी तक, एक मतलब बहुत ही कॉन्सर्न है जो मतलब रेजिस्टेंस देखो, इसको ब्रेक करने के पहले अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया तब भी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहे, और ब्रेकआउट जब सस्टेन नहीं करता है ये बहुत ही कॉन्सर्न की बात होता है। लेकिन इस जगह पे आप अगर मैं उस टाइम क्या करता हूँ मंथली चार्ट का मतलब हेल्प देता हूँ, मंथली चार्ट पे अगर देखोगे देखो एक ये जो एक रेजिस्टेंस था इस जगह पे मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऑब्वियसली उसको एक रिटेस्ट करना था। देखो ब्रेक करने के पहले एक डोजी दिया था तो डोजी के आसपास हमेशा आता है, तो ब्रेकआउट दिया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, और ब्रेकआउट के बाद एक महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना हो गया उस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था। और लास्ट महीने का अगर कैंडल देखोगे देखो ये जो कंसोलिडेशन जोन है जिस जोन के ऊपर कभी क्लोज नहीं हो पा रहा था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था, और इस महीने का देखोगे उसको एक फॉलो अप कैंडल भी मिल गया, ये जो जोन ब्रेकआउट है उसका कैंडल भले ही इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाए, तो मेरे को लगता है इसके ऊपर एक बार कंफर्टेबली क्लोज दे देगा तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा मूव पेंडिंग है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी मूव कर चुका है। और इस जगह पे भी आप अगर देखोगे एक फ्लैग ब्रेकआउट जैसे ब्रेकआउट तो मिला है, इस जगह पे भी एक फ्लैग जैसे उसने बनाया, तो एक फ्लैग का पुल जैसे मूव तो इस जगह पे हम लोग एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल बैंक में बहुत ही बड़ा एक मूव मिल सकता है। तो इधर से अगर देखेंगे इधर से इधर तक लगभग 15,800 से लेके 15,800 से मतलब ये बहुत ही बड़ा टारगेट आपको दिख रहा है, तो मतलब 17,000 से लगभग 20,000 का एक टारगेट शायद अचीव हो सकता है नेक्स्ट 1-2 साल में। तो लॉन्गर टाइम चार्ट बुलिश है, और डेली चार्ट में शायद देखो इस जगह पे ये लो बनाया, इस जगह पे RSI जो है इस लेवल से नीचे आ गया, तो इस जगह पे पॉजिटिव खुलेगा तो RSI के पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन सकते हैं, और ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा, तो ये ब्रेकआउट एक बार सस्टेन कर देगा तो अचानक से पटाख से हम लोगों को 2,000 पॉइंट का मूव मिल सकता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मूव पेंडिंग है बैंक निफ्टी में। और दूसरा जो सेक्टर मेरे को अच्छा लग रहा है निफ्टी, फार्मा एंड निफ्टी ऑटो।
तो वो भी देख लेते हैं निफ्टी ऑटो कैसे लग रहा है। देखो निफ्टी ऑटो में पहले तो मंथली चार्ट देख लेते हो। मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे, देखो 60 करेक्शन इस जगह से चालू हुआ था, इस जगह पे कंसोलिडेशन टाइप है, तो 60 करेक्शन जिस जगह पे तो होता है उस जगह पे हमेशा सेलर रह जाता है, उसको उतना आसानी से क्रॉस नहीं करता निफ्टी ऑटो का। भले ही इस जगह से एक 60 मूवमेंट था, लेकिन ये 60 करेक्शन देखो, इस जगह पे ये 60 करेक्शन था, उसको क्रॉस करने के पहले ये कंसोलिडेशन किया था और उसके बाद एक शार्प अप मूव हुआ था, लेकिन इस जगह पे आके कंसोलिडेशन कर रहे, अच्छा खासा एक बेस बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने का एक बेस बना लिया, और अभी लग रहा है इसको ब्रेक कर सकते। क्यों ब्रेक कर सकते, तो उसके लिए डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। जो डाउन ट्रेंड था देखो, डाउन ट्रेंड को उसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इस जगह पे जो एक कंसोलिडेशन था, देखो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे एक क्रिएट किया था। इस जगह से आप देखोगे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे इसने क्रिएट किया और उसको भी ब्रेक किया, तो ये लग रहा है जो ये डाउन ट्रेंड है, ये जो कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड है ओवर हो गया, और इसको एक बार क्रॉस करने के देखो इस जगह से एक जो सप्लाई जोन है उसको एक बार क्रॉस करने की कोशिश किया था, लेकिन सॉरी थोड़ा उतना स्टेट नहीं हुआ, जो भी है चलो ये सप्लाई जोन को लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। अभी दूसरे बार जब आता है ना, तब उस जगह पे उतना सेलर्स नहीं रहता है, तो इस जगह से ये निकलेगा तो इसको क्रॉस करके शायद मैं एक्सपेक्ट करूँ न्यू हाई दे सकते हैं। तो ऑटो में मेरे को, और इस जगह से ब्रेक करेगा ना, इस जगह पे कंसोलिडेशन टाइप है, इस जगह पे ऑलरेडी ये मतलब 5 6 महीने का इसका कंसोलिडेशन मिल गया, बेस मिल गया, तो फटाक से इसमें न्यू ऑल टाइम हाई देगा। तो निफ्टी ऑटो में 2 3 हजार पॉइंट का मूव मेरे को दिख रहा है। और दूसरा जो है निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा में अगर देखोगे इस जगह पे एक ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम, और ऑल टाइम ब्रेकआउट जब देता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन करता ही है, और फिर देखो ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा तो बात अलग है। 2 3 बार ये ब्रेकआउट के नीचे आना कोशिश किया, लेकिन ये ब्रेकआउट मतलब ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, हर बार नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, तो जब हर बार नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है वो अल्टीमेटली ऊपर ही आता है। और इस जगह पे देखोगे देखो 5 6 महीना इसने ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है, इस जगह से जो हाईएस्ट लेवल है उधर से मैं देखूंगा तो ये ट्राइंगल जैसे ब्रेकआउट दिख रहा है। ट्राइंगल ब्रेकआउट के बाद एक डोजी बनाया और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिला, और ये जो हाइज इस जगह पे इक्वल जगह पे मतलब बना रहा था हाइज, उसको भी लगभग क्रॉस कर गया। तो निफ्टी फार्मा में भी एक बहुत ही बड़ा मूव, जो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट मतलब ऑलमोस्ट 6 साल का ब्रेकआउट है, उसके बाद एक बड़ा मूव मतलब दिख रहा है निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो दिख रहा है। और जो स्टॉक इंडेक्स में नहीं आता है उसमें से मेरे को सुपर स्टॉक में ये बहुत अच्छा 4 5 महीने का कंसोलिडेशन के बाद सुगर, ऑलरेडी सुगर स्टॉक का मैंने मतलब डिस्कस तो कर लिया सुगर सेक्टर का। दूसरा जो सेक्टर है एल्कोहल एंड बेवरेज सेक्टर, उस पर बहुत सारे कम स्टॉक आता है, तो उस एल्कोहल सेक्टर में जनरली सामने फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन के पहले एल्कोहल जो सेक्टर है, एल्कोहल एंड बेवरेज का सेक्टर जनरली फेस्टिवल सेक्टर में सीजन में मूव देते हैं, और उसका सारे चार्ट में उसका एक मूव भी दिख रहा है। जैसे एक उसको यूनाइटेड स्पिरिट ऑलरेडी ऑनलाइन ऑल टाइम ब्रेक दिया, एसोसिएटेड एल्कोहल अच्छा लग रहा है, तो उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स उसमें है, जीएम बीवरीज ये सब भी अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे कभी भी। नहीं तो एल्कोहलिक सेक्टर जो एल्कोहल एंड बीवरीज सेक्टर है वो भी अच्छा लग रहा है। तो ये चार सेक्टर में मैंने अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये चार सेक्टर में मैंने बेट रखूंगा, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है तो बात अलग है। चलो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग अगर उस मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफी लर्निंग एक्टिविटी लाइव मार्केट में मैं करते रहता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।